हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आपके अपने चैनल बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, राजस्थान पटवारी और राजस्थान पुलिस के जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों ही जो एग्ज़ाम में दोस्तों ये इस सिलेबस से जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने के साथ साथ दोस्तों बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है। कोई ज़्यादा बार नहीं, एक या दो बार आप वीडियो को देखोगे तो अच्छी तरह से आप इसको पूरी तरह से आप इसको समझ जाओगे और आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट की तरफ। आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए विद्यार्थी हैं उन सभी से कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पास में लगा जो दोस्तों ये बेल बटन है इसको जरूर दबाए, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारे चैनल पर जो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की, राजस्थान पुलिस की और राजस्थान पटवारी की क्लासेज होती है उनकी अपडेट आपको मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। दोस्तों अब साथ के साथ आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन हमारा, नीली घोड़ी किस लोक देवता की सवारी थी। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए दोस्तों उसके अनुसार आपको आंसर देना है कि नीली घोड़ी किस लोक देवता की सवारी थी। तो आपकी जो नीली घोड़ी थी दोस्तों, ऑप्शन जो बी लिखा हुआ है, ऑप्शन टू लिखा हुआ गोगा जी। दोस्तों गोगा जी की जो घोड़ी थी वो नीली घोड़ी थी इन ऑप्शन में से, और राइट आंसर आप सभी का। दोस्तों सभी जो लाइव है वो सभी कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो साथ के साथ कमेंट कीजिए और आंसर अपना देखिए, आपको अंतिम में मिलाने की कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगला क्वेश्चन हमारा, किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा किए थे। दोस्तों गाड़ी की बात, यहाँ बैलगाड़ी की बात हो रही है, ऐसे लोक देवता है जिनकी दोस्तों उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो राइट आंसर भी इसमें ऑप्शन जो बी लिखा हुआ है, हड़बू जी। दोस्तों हड़बू जी की जो है ये गाड़ी की पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की, और हड़बू जी है दोस्तों आपकी जो रामदेव जी लोक देवता है उनके मौसेरे भाई है। और इनसे रिलेटेड जो एक दो क्वेश्चन और है जो एग्जाम पूछे जाते हैं वो ये है कि इनके जो गुरु थे दोस्तों वो बालीनाथ जी थे। हड़बू जी के जो गुरु है दोस्तों वो कौन थे, वो आपके बालीनाथ जी थे, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन होने के साथ साथ आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 100% में से 90% दोस्त है वो इसका गलत आंसर करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। तो आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, सही से समझना है और फिर इसका आंसर देना है। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार है, करनी जो माता है दोस्तों, करनी देवी है, करनी माता जो लोक देवी है, इनका एक प्रतीक है, रूप है, रूप का दोस्तों यहाँ पे प्रतीक है, कौन इनका प्रतीक है ये आपको बताना है। करनी माता का जो एक प्रतीक है वो कौन सा, नीचे ऑप्शन दिए गए इसमें से। और जैसा कि मैंने कहा था कि 90% इसके रॉन्ग आंसर आएंगे, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन जो बी लिखा है ये होगा, सफेद चील का। दोस्तों यहाँ आपका जो है पूछा गया प्रतीक क्या है, तो प्रतीक आपने देखा होगा कि जो लोग देवी करनी माता इनका सफेद चील का जो है दोस्तों वो प्रतीक होता है। तो राइट आंसर आपका ये होगा, आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, सही से आपको पढ़ना है क्वेश्चन को और फिर इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवी का अन्य नाम सेडल माता या महामाई भी है। तो दोस्तों किसका है, आपके जो ऑप्शन सी लिखा है शीतला माता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो लोक मानस, दोस्तों ये कुछ नहीं है, ओनली क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा जो है सब दिए गए हैं। आपके लिए जो मेन बात यही है कि सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है, ऑप्शन ए जो आयड़ माता है, आवड़ माता दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, और दोस्तों एग्जाम में काफी बार ये रिपीट होता है कि सांपों के देवता के रूप में विख्यात लोक देवता है। तो सांपों के देवता के रूप में जो लोक देवता है विख्यात वो कौन है, वो आपके गोगा जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपको आंसर करने, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि अलग अलग आंसर देते हैं फिर कमेंट सेक्शन में बताते हैं, तो उनमें सभी इसलिए पहले बताता हूँ कि ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, तल्लीनाथ जी किस जिले के प्रसिद्ध लोक देवता है। तो दोस्तों तल्लीनाथ जी किस जिले के प्रसिद्ध लोक देवता, आप कमेंट कीजिए, जैसे कुछ विद्यार्थी कर रहे हैं उनके राइट आंसर हो रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी गलत होने के डर से कमेंट सेक्शन में आंसर कर ही नहीं रहे, तो उन सभी से कहना चाहता हूँ और जो बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे उनको भी कहना चाहता हूँ, साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, ताकि आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जिससे कि आपको एग्जाम में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि कमेंट
कमेंट के साथ साथ आप जो है एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कर दो ताकि और विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है ए जालौर, जालौर में जो तल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध जो है ये दोस्तों है। अब दोस्तों इन्हीं से रिलेटेड एक और है मल्लीनाथ जी, तो आप बताइए जो मल्लीनाथ जी इनका प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है, बाड़मेर में, यह आपको बताता हूँ स्थान कौन सा है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थल स्थित है, तो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी जगह है दोस्तों, कौन से स्थान पर नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थल है दोस्तों। मल्लीनाथ जी है वो आपके तीलवाड़ा बाड़मेर आपका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार था नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थल है और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बीकानेर में। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन दोस्तों और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रानी सती का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों आपको जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका बताना है, कहीं आप अपने गांव के नाम अपने शहर के नाम मत लिखना कि हमारे गांव में भी मंदिर है रानी सती का। दोस्तों यहां पूछा गया प्रसिद्ध जो मंदिर है रानी सती का वो किस जिले में स्थित है, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए आपको इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने एक क्विज रखा था और पीछे दोस्तों उसमें ऐसे कुछ आंसर आए थे कुछ विद्यार्थियों के मजाक में आए थे, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा गलत जो है कुछ विद्यार्थियों के उससे थोड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन सी जो है झुंझुनू में दोस्तों रानी सती का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन असंगत युगम को छांटिए, तो दोस्तों एक तरफ जो है लोक देवियों के नाम है दूसरी तरफ उनके प्रमुख तीर्थ स्थल है, लेकिन दोस्तों एक है वो आपका गलत है वो कौन सा ये आपको बताना है। तो दोस्तों तनोट माता ये जोधपुर में नहीं है, ये इसका गलत हो जाएगा आपको। अगर आप रेगुलर विद्यार्थी है तो आपको मैंने पीछे के टेस्टों में बताया था तनोट माता है दोस्तों, जो तनोट देवी दोस्तों ये इनका जो है मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है, और वहाँ पे मैंने ये भी बताया था इनको जो है दोस्तों थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस लोक देवता की घोड़ी लिल्लन थी, किस लोक देवता की घोड़ी का नाम लिल्लन था ये आपको बताना है, और राइट आंसर आपका सभी का जो हो जाएगा इसमें तेजाजी दोस्तों, तेजाजी की घोड़ी का नाम जो लिल्लन था। और कुछ विद्यार्थी जो कमेंट सेक्शन में लिखता है कुछ टाइम दीजिए, तो दोस्तों टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर आपको एग्जाम फाइट करना है तो मैं जितना टाइम दे रहा हूँ आपको दोस्तों वो आपके लिए बहुत अधिक है, उससे भी आपको आधे समय में जो है क्वेश्चन का आंसर करना होगा एग्जाम में। क्वेश्चन इस प्रकार था किस लोक देवता का घोड़ा लीलागढ़ था, तो दोस्तों कौन से लोक देवता का घोड़ा लीलागढ़ था आपके देवनारायण जी, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऊंटों की पालक जो रायका रेबारी जाति है, तो रायका जाति भी बोला जाता है और रेबारी जाति भी बोला जाता है, इस किस लोक देवता को अपना आराध्य मानती है दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको पता हो तो जो है दोस्तों ऊंटों के भी दोस्तों जो है देवता जो उनको बीमार होने पर पूजा की जाती है पापू जी की जाती है, और इसका राइट आंसर भी पापू जी हो जाएगा, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए कि राजस्थान के किस लोक देवता की मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण होता है, कौन से लोक देवता की ये आपको बताना है। तब तक जो चैनल पर नए विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ इस क्लास की और हमारी जितनी भी राजस्थान पुलिस पटवारी और हाईकोर्ट ग्रुप डी की क्लासेज होती है और राजस्थान जीके के अन्य सभी एग्जाम्स की क्लासेज होती है, उन सभी क्लासेज की PDF के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसको जाके ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सभी की PDF और क्लासेज की अपडेट मिल जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन जो इस बार का था इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है मामा देव है, इनको दोस्तों जो है लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण होता है ना कि पत्थर और उनकी मूर्तियां होती है मिट्टी की। अगला क्वेश्चन किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन जो 4 लिखा हुआ है डी, करणी माता का जो मंदिर है दोस्तों मठ कहलाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हिंदू किस लोक देवता की कृष्ण का अवतार मानकर पूजा करते हैं, तो दोस्तों नीचे दिए गए ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन से लोक देवता है जिनको कृष्ण का अवतार मानता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो आपका लिखा हुआ है बी, सभी का राइट आंसर है कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। अब दोस्तों आप अगर रेगुलर है तो आपको मैंने पीछे के टेस्ट में बताया था देवनारायण जी को किन का अवतार माना जाता है ये आपको बताना है। तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, साथ के साथ कमेंट में बताना आपको आंसर।
अगला क्वेश्चन है 24 वाणियां रचना के लेखक है। दोस्तों 24 वाणियां इसकी रचना के कौन लेखक है नीचे दिए गए ऑप्शन में बताना है। तो दोस्तों ऑप्शंस में आपको पता है कि चारों के चारों लोक देवताओं के नाम है, और पीछे मैंने एक टेस्ट में बताया था आपको कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो एक कवि थे। तो आप यहाँ अंदाजा भी लगा सकते हो कि 24 वाणियां यहाँ रचना की बात हो रही है, लेखक की बात हो रही है, और कवि दोस्तों ओनली रामदेव जी थे। तो ऑप्शन जो सी या थ्री है ये राइट आंसर हो जाएगा कि रामदेव जी जो है लेखक है किसके 24 वाणियां के। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन इस प्रकार है जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। तो जहार पीर जो है दोस्तों ये है आपके गोगा जी को जाना जाता है, और महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था और उन्होंने दोस्तों जहार पीर की जो उपाधि गोगा जी को दी थी, और जहार पीर का अर्थ होता है दोस्तों जिंदा देवता। अगला क्वेश्चन हमारा कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है। तो जो रेगुलर विद्यार्थी है वो इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन जो सी है जिलानी माता को अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब दोस्तों अगर आप रेगुलर विद्यार्थी है तो आपको बताना है, जैसे वहाँ पीछे मैंने पूछा था देवनारायण जी को किसका अवतार मानता है, सभी ने राइट आंसर किया, जिसने आंसर किया दोस्तों उनका बता रहा हूँ, उन्होंने विष्णु का अवतार बताया और वो सही है। इसी प्रकार आपको ये बताना है जिलानी माता मंदिर का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था अलवर क्षेत्र में, पीछे के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है तो आप इसका आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन इस प्रकार है सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। तो ऑप्शन जो सी लिखा आयड माता को सुगन चिड़ी का जो स्वरूप माना जाता है। अब दोस्तों जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं और पीछे की क्लासेज नहीं देखी है तो उन सभी से कहना चाहता हूँ पीछे प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पर, और वहाँ पर आपको राजस्थान पुलिस की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, पटवारी की अलग मिलेगी, और हाईकोर्ट की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। सारे सिलेबस के अनुसार दोस्तों टेस्ट सीरीज उसमें बनाई हुई है, उनको जाके देखिए, सभी टेस्ट को कीजिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत अधिक मदद मिल सके। अब दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो विद्यार्थी ऐसे ही क्लासेज हाईकोर्ट ग्रुप डी की पटवारी की और पुलिस की जो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा बेल बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।